अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कैंडी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आइंदा आने वाली अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। ये क्लिप जो है मैंने दिखाया है नैना के लिए। अच्छा, नैना को शौक है जो लाइमलाइट में रहने का, तो फिर हमने कहा कि चलें ठीक है, आपको अपने ऊपर खुद रिएक्शन दिलवाने हैं तो हम क्यों ना दें रिएक्शन। जी, हमारा काम ही रिएक्शन देना है तो हम तो आपके ऊपर रिएक्शन देंगे। नैना नैना, आपने आज जो रिएक्शन दिया, एक तो मुझे ना आपकी पर्सनैलिटी बहुत ड्यूल फेस लगता है, क्योंकि पहले जब आप रिएक्शन देती थी नैना, आप बैठ के चुप करके कहती थी अल्लाह पूछेगा, बस मैंने छोड़ दिया, बस मैं मर रही हूँ, मैं मरने वाली हूँ, और ये और वो इमोशनल अत्याचार करती थी आप। लेकिन अभी 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है आप में स्प्रिंग आ गए, आप कुछ मतलब ऐसा लग रहा है टोन होके रिएक्शन दे रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई आप आराम से हौले होके रिएक्शन दें, माना आपके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, तो आप थोड़ा आराम से हौले हल्के हो जाए नैना। आप ऐसा लग रहा है टोन हुई है, 2-3 पैक मारे हैं आपने और आप रिएक्शन दे रही है, अजीब लग रही है सच में। ऐसा लग रहा है स्प्रिंग आ गए आप में, उछल कूद क्या लगाई हुई आपने यार, ये अच्छा नहीं मालूम हो रहा। अपना रिएक्शन आराम से बैठ के दें, रिएक्शन देने पे आपको मना नहीं किया, आराम से सुकून से पुरसकून होके इधर नाक में विक्स विक्स लगाएं, नाक खुले आपकी, ब्रीद इन ब्रीद आउट आउट करें, और फिर जो है वो आप अपना रिएक्शन दे सकती हैं, कोई आपको मना नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें हम ना एक बात करेंगे, एक एक चीज़ पे ना बहुत मजाक उड़ा जाए। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं इस पार्टी उस पार्टी किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपना रिएक्शन दे रही हूँ, तो ये मत समझिएगा कि मैं कोई दिलशाद को जो है डिफेंड कर रही हूँ या जायद खान को डिफेंड कर रही हूँ, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही। आप लोग एक बहुत सारी जो है ना वो चीज़ लेकर आ रहे हैं, दोला शाह का चूहा, दोला शाह का चूहा। पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, ये बड़ा सेंसिटिव है टॉपिक हमारे यहाँ जो है ना, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में ऐसे लोगों को जो है वो फकीर बनाया जाता है और इनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, और यकीन करें ये मज़ारों में और ये सूफीज़म की तरफ जो है ये जो ये लोग होते हैं इनका ताल्लुक कहा जाता है। तो आप दिलशाद को इसमें क्यों आप मिला रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये आप किसी की शक्ल का मजाक उड़ा रहे हैं, बुरी बात है। एक तो शक्ल उनकी उस चीज़ से मिलती नहीं है, दूसरी बात ये जो आप दोला शाह का चूहा कह रहे हैं, ये जो है ये बहुत बुरी बात है और सेंसिटिव टॉपिक है। इसको प्लीज इस वर्ड को यूज ना करें, मेरी आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है। ये जो है हमारे लिए पाकिस्तान में बड़े काबिल एहतराम होते हैं और मज़ारों पर हर जगह इनका जो अदब किया जाता है, उनकी बदवाओं से डरा जाता है, तो इस चीज़ को, इस वर्ड को इस्तेमाल ना करें। इसी तरह जो है जाहिद खान जो है वो पहले बिया को कहते थे कि खुसरा कहते थे उनको, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप बिया को खुसरा मत कहें, वो इसलिए क्योंकि ये एक सेंसिटिव एक कॉम्प्लेक्स कॉम है, तो आप वो कॉम कोई ऐसी गंदी जबानें इस्तेमाल नहीं करती है जिस कॉम के लिए आप ये बिया जैसे गंदी जुबानें इस्तेमाल करती हैं, तो वो कॉम जो है वो नहीं करती है, वो अपना रोजी रोटी कमाते हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ना आप लोग रिएक्शन में मत लाएं, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट। अच्छा, मैं इसमें एक और बात भी कहूँगी कि प्रोफेसर जो है ना वो बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, पता नहीं क्या उनको पढ़ लग गए क्या। आप प्रोफेसर आजम, आप मरियम को जो है वो कह रहे हैं कि भिखारी भीख मांग रही हो क्या, यानी आप YouTube पे अगर आके काम कर रहे हैं और अपनी कोई स्टोरी रखते हैं तो आपको भी ये कहा जाए कि आप भिखारियां भीख मांग रहे हैं। भाई वो अपनी आप बीती सुना रही है, अपना सच सुना रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको सुनना है तो सुने, नहीं सुनना तो ना सुने, रिएक्शन देना तो रिएक्शन दें। ये भिखारी भिकारन ये क्या आपने लगा के रखा हुआ है, ये आप बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। आप अपना रिएक्शन दें जो आपका बनता है, वीडियो टू वीडियो रिएक्शन दें, और किसी का चेला चपाटा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जो है वो सोच बताएं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे साजिद ने अपने व्लॉग में बताया, साजिद साहब ने, दिलबर ने भी, कि ये जो है ना ये ग्रैंड हयात होटल में रुके हैं दिलबर, तो ये होटल जो होता है ना जोहा,
ये 5 स्टार होटल है, इसमें डबल बेड सिंगल बेड नहीं होता। 5 स्टार होटल्स में कैटेगरी होती है, वीआईपी, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड। तो ये होता है, सिंगल बेड तो होता ही नहीं है इस 5 स्टार होटल में। मैं आपको बता दूं, जो आप ये कह रही थी ना कि दिलबर जो जहाँ रुका हुआ है, आप क्या कड़ी से कड़ी मिला रही है, मैं पे तो की बातें कर रही हैं। आप हैदराबाद से आगे कहीं कहीं गई नहीं है, आपको कुछ पता है नहीं। अलेवे यदा यदा नथिया गली के चली गई होंगी अपने शोहर के साथ। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 5 स्टार होटल्स होते हैं ना, इनमें बेड्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड होता है, वीआईपी होता है, वीवीआईपी होता है, ऐसे होता है। इसका मतलब ये नहीं है अगर किसी के पास डबल बेड है तो उसने अपने साथ किसी को रोका हुआ है, ये गलत आप बात लेकर आई हैं। और फूल वहां पे बिखरे हुए, तो भाई ये वेलकम करने का अंदाज होता है, इसका मतलब ये नहीं होता फूलों का बेड पे बिछने का सिर्फ एक मकसद नहीं होता। ये आप किसी को वेलकम करते हैं तो होटल में, अगर आप किसी को वीआईपी जो है वो कमरा बुक कराया है किसी ने, तो वो अपने गेस्ट को उमूमन ऐसे ही वेलकम करते हैं 5 स्टार होटल्स में। आप बिल्कुल पागल बेतुकी बात लेकर आई हैं जुहा। खैर, आप कुछ भी नहीं मिला तो आपने कहा चले ये कर लेते हैं। अच्छा, नैना की वॉइस लीक हुई, इस वॉइस लीक होने का क्या मकसद था मुझे समझ नहीं आया। एक बंदा आपको हाथ जोड़ के कह रहा है कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, बस कर दो, मुझे इस बात को मत उछालो। मतलब आपने उसकी तकलीफ देखी है। सितारा का भी मैं आपको बताऊं कि उसका भी यही है कि ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, व्यूज वगैरह के लिए नहीं, क्योंकि आप देखें कि मुस्तकिल कोई सी बंदे को आप लोग डिप्रेशन दे रहे हैं, उसका जख्म अभी सूख भी नहीं पाता, उसको फिर हरा कर देते हैं। ये जो वॉइस लीक हुई है जाहिर साहब, इस वॉइस लीक होने का कोई मकसद मुझे समझ नहीं आया। इससे आपने क्या प्रूव किया कि एक क्राउन होटल, अरे एक तो मुझे क्राउन होटल का बात मुझे ये कहनी है भाई, ये थका हुआ होटल है, इसको इतना क्राउन होटल यूट्यूब पे करके इसको भी फजूल की पब्लिसिटी दे रहे हैं, क्राउन होटल फुटेज का रहा है। एनीवेज, तो ये आप ये कह रहे हैं कि आपने जो वॉइस लीक की उसमें आप असगर से हटा के इल्ज़ाम जो है वो एजाज शाह पे डलवा रहे हैं, और सितारा का नाम एजाज शाह पे जो है जोड़ रहे हैं। ये वॉइस कितनी घटिया और गलीज थी जाहिद साहब, आप कभी अपनी बहन के लिए ऐसी वॉइसेस लीक करें कि कोई भी जो आदमी है, गैरतमंद आदमी होगा ना, वो अपनी बहन के लिए ऐसी इल्ज़ाम नहीं लगवाएगा। मुझे नहीं पता आप लोग मुझे अच्छा लें या बुरा लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जाहिद खान के इस रवैये को पसंद नहीं कर रहे, चंद जो पसंद कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों पसंद कर रहे हैं, शायद उन्हें चटपटी मसालेदार खबरें अच्छी लगती हैं। बहरहाल, तो इस वॉइस में जो नैना ये कह रही हैं कि वहां पे हम समझे एजाज शाह है इसलिए हम सितारा को छोड़ने गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सितारा एजाज शाह से होटलों में मिलती है, मतलब होटलों के रूम में मिलती है? क्या आपको ये मालूम भी है कि आप कितनी गंदी और गलीज बातें लीक करवा रहे हैं? ये कौन सी बात है? आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? भाई सितारा, सलमा ने जो टैग लगाया था और जो एविडेंस दिए थे वो नाकाफी थे, चाहे वो मैं कहती हूँ ओरिजिनल टिकट था। मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप सितारा को क्राउन होटल पहुंचा दें, आप ये साबित कैसे कर पाएंगे कि वो उसने कोई गुनाह किया है? क्योंकि साली अपनी बहनोई से वैसे भी मिलने जा सकती है, कोई और भी बात हो सकती है इस बात के अलावा। एक वो एक औरत होटल में जाके अगर मिल रही है तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है। तो सलमा किसी तरीके से भी अपने पॉइंट को क्लियर नहीं कर सकी हैं। गूगल हिस्ट्री, होटल का ये सब कुछ, ये सब क्या बकवास है? इससे कोई ये बातें तो साबित नहीं होती है ना कि आप किसी पे जिना का टैग लगा दें, नाउजुबिल्ला, तो ये गलत बात है। पर आपने वो तो साबित हुआ ही नहीं है, वो मामला वो ख़त्म कर चुकी हैं, लेकिन आप दोबारा उस कहते हैं वो चिंगारी है, राख में चिंगारी है ना, उसको हवा दे रहे हैं ताकि आग दोबारा लगे। मैं आपको सिर्फ सीधी सीधी ये बात कह रही हूँ कि आप जो है वो सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं। और नैना, आप तो अपने भाई की वजह से बदनाम हो गई हैं भाई, आप अपने तीसरे भाई की वजह से जो रही कई कसर थी ना नैना, वो और भी ख़त्म हो गई है आपकी इन चालाकियों की वजह से। आप पे जो थोड़ा बहुत इंसान रहम खा लेता था, अब वो लोग भी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो सब यही कहेंगे ये किस तरह की लड़की है, ये तो सितारों को पे कितने इल्ज़ाम लगा रही है, लाख तो उसने सितारा के बॉयफ्रेंड्स बनवा दिए हैं, एजाज शाह के साथ वो लाइफ में जाके बैठती है, अजगर को हटाया तो उसने एजाज शाह के साथ नाम जोड़ दिया कि सितारा एजाज शाह से होटल में मिलने गई थी। क्या बकवास, क्या बोंगियाँ और चवल मार रहे हैं आप लोग वाई टी पे बैठ के।
दूसरी बात ये कि प्रोफेसर ने ये कहा कि भाई ये जो दिलशाद है ना, अच्छा अजीब सी बात है कि प्रोफेसर जो हैं वो जाहिद को जाहिद भाई कह रहे हैं और प्रोफेसर जो है जाहिद खान के हक में हैं और कह रहे हैं कि जो दिलशाद है ये दरअसल सितारा के भाई की कुर्सी लेना चाहता है। पहले सितारा का भाई मैं था, मैंने उसके साथ गद्दारी की, उसके बाद जाहिद आया, अब ये जाहिद की कुर्सी छीनने के चक्कर में हूँ। भाई क्या कुर्सी वुर्सी, कुर्सी जाहिद को मिले, दिलशाद को मिले या प्रोफेसर को मिले, तीनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। सितारा का भाई तो इनमें से कोई भी नहीं बनेगा ना। सितारा का भाई फारूक है, जो सगा भाई है वो है तो है। अब इसमें आप लोग क्या ये बहसबाजी कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ सितारा के इशू को जो है ना वो कैश करा रहे हैं अपनी लड़ाइयों में। मैं आपको ठीक बता रही हूँ, इस कॉन्ट्रोवर्सी में अब कोई जान नहीं बची असगर वाली बात में। आप एक बंदे को पोक कर रहे हैं कि आप दोबारा ये चीजें लेकर आए, गाली गलौज से साजिद मुस्तफा बार बार मना कर रहे हैं कि भाई गाली मत दो, गाली क्यों गालियां दे रहे हो, फिर आप लोगों ने वही चीजें शुरू कर दी हैं, गालम गलौज, तो ये मत कीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी बात ये कि मेरे हिसाब से इस वॉइस लीक में मतलब ये तो और गंद फैलाने वाली बात है, ये किसी को ना और गंदा करने वाली बात है। ये इससे सितारा क्लियर तो नहीं हुए, और कल परसों तक देखें हेटर्स की जानब से और इश्यूज जो हैं वो पॉपअप होना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा सितारा क्राउन होटल में असगर से नहीं एजाज शाह से मिलने गई, वॉइस लीक विद प्रूफ, नैना ने प्रूफ किया, सितारा के भाई ने इस बात पे मोहर लगाई कि सितारा का एजाज शाह से नाजायज रिश्ता है, ऐसे थंबनेल्स आएंगे। आप लोगों को अंदाजा भी है कुछ, जो लोग इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, ये काम किया है, जो अकल और शऊर रखते हैं ना वो इस बात को समझेंगे कि काम किसी सूरत जो है वो दुरुस्त नहीं है। चारों और नैना की जो क्रेडिबिलिटी है ना वो तो हो गई है जीरो। मतलब इन दोनों मियाँ बीवी का करेक्टर बहुत ही कोई घटिया करेक्टर नजर आ रहा है इस सारे मामले में, बिल्कुल जीरो क्रेडिबिलिटी हो गई है। अच्छा, और मैं जाहिद आंसे भी कहूँगी कि देखें, अगर मुझे नहीं पता आप इस साइड में हैं उस साइड पर हैं, लेकिन जिस साइड पर भी हैं स्टिक रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर इंसान एक जगह जो है वो स्टिक रहे तो वो ज़्यादा उसके लिए बेहतर होता है, बजाय इसके कि ढांबा ढोल हो। आपका ऐसा लग रहा है स्विच ऑन स्विच ऑफ, हेटर्स मूड सपोर्टर मूड्स, हेटर मूड सपोर्टर मूड, ये मत करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका बिल्कुल भी जो है वो आपको कोई फ़ायदा कोई बेनिफिट मेरी हिसाब से जो है वो नज़र नहीं आ रहा। मरियम के लिए मैं भी मेरा एक मशवरा है, मरियम आपके साथ जो हुआ काबिल अफसोस है, ये सब कॉन्ट्रोवर्सीज मेरे ख्याल से अब जो है अब UAE मूव हो रही हैं, तो इस मजीद कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ने का कोई आपका जो है वो फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपके लिए नुकसान है। इसलिए नहीं कि सऊदी जर्नलिस्ट कोई बहुत बड़ी तोप चीज है, इसलिए कि मिडिल ईस्ट के जो रूल्स हैं ना वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप फिर आगे जो है वो और चीज़ों को फेस करेंगी, तो आप इन सब से हट के जो है वो आप अपना रिएक्शन दें, लेकिन इस मामले से हट जाएं और आप फोकस कीजिए अपनी फैमिली पे, बच्चों पे और बच्चों की एजुकेशन पे, क्योंकि अब आप जब UAE जो शिफ्ट हो रही हैं जैसे कि हमें पता चला है, तो ये बड़ा जो है मामला मजीद ख़राब होगा। तो आपके लिए बेहतर है कि मरियम इन सब चीज़ों को छोड़ें, जिसने जो किया अल्लाह ताला उसको पूछेगा, अल्लाह की पकड़ होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगता है, मुझे कौन से और टॉपिक पर रिएक्शन देना चाहिए, प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।